20,000 का बजट दोस्तों, एक ऐसा बजट है जिसमें ना तो आप एंट्री सेगमेंट में रह पाते हैं, ना ही आप फ्लैगशिप वाले में जा पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मतलब कि 20,000 इज़ अ बिग अमाउंट, मतलब 20,000 रुपये अगर आप खर्च करने के लिए तैयार हो गए एक फ़ोन के ऊपर, तो यकीन मानिए काफ़ी अच्छा बजट है एक फ़ोन, एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए। तो ऐसे में दुगनी रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब आप एक बार ही नहीं, आपको ट्वाइस, दो बार ही सोचना पड़ेगा फोन लेने से पहले। तो बने रहेगा मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ वो फोन जो 20,000 की रेंज में आप बाय कर सकते हैं और जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होने वाले हैं। सबसे पहले फोन की अगर मैं बात करूंगा तो वो है Huawei का P20 Lite। दोस्तों 19,999 रुपए का मॉडल है, एक नॉच वाला फोन है, नॉच स्क्रीन इसके अंदर आपको मिलने वाली है 5.84 इंचेस की, 19:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलने वाला है, इसका मतलब है 1080x2280 का पिक्सल रेशियो आपको मिलेगा, 432 ppi की आपको बहुत अच्छी इसके अंदर आपको स्क्रीन मिलने वाली है, 96% बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है, मतलब कि डिस्प्ले तो बहुत कमाल का होने वाला है। आप जहां पर भी इस फोन को रखेंगे तो लोगों की नज़रें तो पक्का खींचने वाली है इसकी तरफ। 2.5D का कर्व ग्लास इसके अंदर आपको मिलेगा, कमाल का कैमरा इसके अंदर आपको मिलेगा, 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको ड्यूल लेंस प्राइमरी आपको कैमरा मिलने वाला है 2.2 के अपर्चर के साथ, और 24 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है 2.0 अपर्चर के साथ, मतलब कमाल की सेल्फी इसके अंदर आपको मिलने वाली है, 3D पोर्ट्रेट इफेक्ट आपको मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर और फिंगरप्रिंट स्कैनर तो इसके अंदर मिलने ही वाले हैं, 4GB के अंदर आपको रैम मिलेगी और 64GB के अंदर आपको मिलेगी स्टोरेज, आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलने वाला है एंड्रॉयड का 8.0 यानी कि ओरियो आपको मिलने वाला है, किरीन का 659 का प्रोसेसर मिलेगा, 2.36 GHz की फ्रिक्वेंसी पे चलता है, 145 ग्राम का इसका करीब वेट होगा। दोस्तों अगर आप फोन की लुक देखेंगे तो क्या कमाल की लुक है ये, मतलब कि आप नॉच वाला फोन आप ले सकते हैं अगर 20,000 का बजट है। इसके अलावा एक वीवो का फोन और मिलता है नॉच वाला 20,000 की रेंज के नीचे, लेकिन वो आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, मतलब अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही कि मतलब वो फोन मैं आपको रिकमेंड करूँ। नॉच वाला फोन अगर आपको 20,000 की रेंज में लेना है तो डेफिनेटली यही है वो फोन जिसके लिए आप जा सकते हैं। अगला फोन है नोकिया का 6.1, मतलब 2018 जो एडिशन है, इसके अंदर आपको दो वेरिएंट मिलते हैं 32GB वाला और 64GB वाला, मतलब 16,999 और 18,999 के दो मॉडल आपको मिलेंगे, और ये है वो फोन जो मैं मानता हूँ कि Redmi Note 5 Pro को एक कड़ी टक्कर देता है, क्योंकि नोकिया के ब्रांड को दोस्तों मैं काफ़ी सपोर्ट करता हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका बिल्डअप होता है। इसके अंदर आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon का 630 का प्रोसेसर, ऑक्टाकोर 2.2 GHz की फ्रिक्वेंसी पे चलता है, 4GB के अंदर आपको रैम मिलेगी, और जैसा मैंने आपको बताया 32GB और 64GB के दो इसके अंदर आपको वेरिएंट मिलने वाले हैं, 16 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर मेन कैमरा मिलेगा F2.0 के अपर्चर के साथ विद ZS ऑप्टिक्स, मतलब जो इसका कैमरा है वो बहुत कमाल का रहेगा फॉर श्योर, और 4K में रिकॉर्डिंग ये कर सकता है। 8 मेगापिक्सल इसके अंदर आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा, वो भी F2.0 के अपर्चर के साथ आएगा। नोकिया के कैमरास हमेशा से कमाल के रहे हैं, और इस बात की भी श्योरिटी है कि इस बार भी ये कमाल के रहेंगे। 5.5 इंचेस की आपको फुल HD स्क्रीन मिलेगी IPS डिस्प्ले के साथ, जिसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलने वाला है, 1920x1080 का पिक्सल रेशियो इसके अंदर रहने वाला है, 3000 mAh के अंदर आपको बैटरी मिलेगी। अच्छी बात यह है कि टाइप सी इसके अंदर आपको चार्जिंग मिलने वाली है, तो कंपनी का ये मानना है लगभग 30 मिनट के अंदर ही ये 50% बैटरी को चार्ज कर देगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, टाइप सी के साथ आना काफ़ी मतलब एडवांस हो गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर तो आपको बैक में मिलेगा कैमरा के ठीक नीचे, तो काफ़ी अच्छी पोजिशनिंग की गई है फिंगरप्रिंट स्कैनर की, ओरियो के साथ आपको ये आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। दोस्तों अगर इसकी प्रोज की मैं बात करूँ तो क्या प्रीमियम इसकी क्वालिटी आपको मिलने वाली है, बॉडी की 6000 सीरीज का जो एल्यूमिनियम बॉडी आपको इसमें मिलने वाली है, टाइप सी का आपको USB चार्जर मिलने वाला है जो 50% चार्ज कर देगा 30 मिनट्स के अंदर ही, बहुत अच्छी इसकी लुक्स है, और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको ड्यूल माइक दिया गया है तो काफी अच्छी रिकॉर्डिंग इसमें हो जाएगी, डायमंड कट इसका लुक है। कॉन्स की अगर बात करूं तो इसमें आपको 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, आज के जमाने में थोड़ा सा ही खलता है, और हाइब्रिड सिम स्लॉट इसमें आपको मिलने वाला है, तो अगर आपने दो सिम लगा लिए तो एक्स्ट्रा से आप मेमोरी कार्ड इसमें नहीं लगा पाएंगे, वैसे आप इसकी मेमोरी को 128GB तक बढ़ा सकते हैं। तीसरे अगर मैं फ़ोन की बात करूं तो वो है Redmi Note 5 Pro। इसके अंदर आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon 636 1.8GHz की फ्रिक्वेंसी के साथ Adreno 509, गेमिंग आप इसके अंदर ठीक ठाक कर सकते हैं, मतलब अच्छी गेमिंग इसके अंदर आप कर सकते हैं, 6GB के अंदर आपको रैम मिलेगी, 64GB की स्टोरेज मिलेगी, मैं बात कर रहा हूँ 16,999 रुपए वाले मॉडल के बारे में, 128GB तक आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो आपने अगर दो सिम लगा दिए तो आप अलग से मेमोरी कार्ड इसके अंदर नहीं लगा पाएंगे। ड्यूल आपको रियर कैमरा मिलता है 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का,
और 20 मेगापिक्सल की अंदर आपको मिलेगी सेल्फी। 4000 एमएच के अंदर आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है, काफी अच्छा बैटरी बैकअप है 4000 एमएच का। 5.99 इंच की फुल एचडी स्क्रीन मिलेगी जो कि 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो पे काम करती है। एंड्रॉइड 7.1.2 इस नोगट के अंदर आपको मिलेगा जो अपग्रेड हो जाएगा शायद आने वाले टाइम में ओरियो के अंदर। 181 ग्राम का आपको इस अंदर वेट मिलने वाला है, थोड़ा सा बल्की है। और ये फोन दोस्तों मैंने यूज किया है, वैल्यू फॉर मनी आपको देगा 16,000 में क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इसकी काफ़ी अच्छी है। रेडमी अब काफ़ी अच्छा ब्रांड बन चुका है, थोड़ा सा इसका प्राइस ऊपर हो गया, 1,000 रुपये इसको बढ़ा दिया जो कि बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए लोग स्विच कर रहे हैं आजकल दूसरे फ़ोन्स की तरफ। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा अगर आपका बजट 16,000-17,000 के बीच में है तो ये फ़ोन ज़रूर आप ले सकते हैं। दोस्तों अगले फ़ोन की बात करूँ तो वह है सैमसंग का J7 Pro। इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है और 13 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा मिलता है। और जेन्युइनली अगर मैं बताऊं मैंने इसके कैमरा को यूज़ किया है, बहुत बहुत अच्छा कैमरा है इसका, 1.7 अपर्चर के साथ इसका रियर कैमरा मिलता है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे कैमरास को ये पीछे छोड़ देगा, और एक अच्छा कैमरा अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपको फुल मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन मिलता है, काफ़ी मजबूत ये फ़ोन है। 5.5 इंच की फुल एचडी स्क्रीन इसके अंदर आपको मिलती है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसका। सैमसंग का डिस्प्ले वैसे ही मुझे काफ़ी पसंद आता है, अगर आप औरों से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इसकी स्क्रीन आपको ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगी, ज़्यादा अच्छे इसके अंदर आपको कलर्स नज़र आएंगे। 3 GB की इस मॉडल के अंदर आपको रैम मिलेगी और 64 GB इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी। 3600 mAh की बैटरी मिलेगी, साथ ही मिलेगा आपको सैमसंग पे। एक्सोनस का आपको 7870 का प्रोसेसर मिलता है जो सिमिलर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 के। दोस्तों एक बात मैं आपको सैमसंग की बैटरी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, बैटरी बैकअप के बारे में, कि सैमसंग के फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है, काफ़ी अच्छे तरीके से रैम मैनेजमेंट होती है, प्रोसेसर के साथ ही काम करते हैं। कि नॉर्मली मैंने देखा है अगर 3600 mAh की बैटरी किसी और फोन के अंदर हो, 3600 mAh की बैटरी अगर सैमसंग के फ़ोन के अंदर है तो बैकअप नॉर्मली सैमसंग के फ़ोन के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगा फॉर श्योर। ये कुछ फ़ोन थे जो मैंने आपको बताया 20,000 की रेंज के अंदर। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए अभी मैंने सिर्फ 4 फ़ोन बताए हैं, इसी का मैं एक दूसरा पार्ट ज़रूर लेके आऊँगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे लैपटॉप डेस्कटॉप और मोबाइल्स के बारे में या टेक अपडेट्स के बारे में। मेरा नाम है संदीप, चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।